क्या आज जो प्रभु का पिक्चर है वो हम घर में या चर्च में रख सकते हैं? क्या यह मूर्ति मूर्ति पिक्चर फोटो वगैरह? सबसे पहली बात, आज तक कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जिसने यीशु मसीह का जो साक्षात स्वरूप को जो है उसने चित्र में निकाला हो, नंबर वन। तो हमको पता नहीं कौन है। जो पैशन ऑफ क्राइस्ट के मूवी के पहले एक और जीसस फिल्म आया था, पता है, वो जीसस फिल्म के एक्टर ने खुद कहा है कि मेरा पिक्चर अपने घर में रखना बंद करो, मैं यीशु नहीं हूं। उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा, बोला कि मैं यीशु नहीं हूं, मेरा पिक्चर घर पे मत रखो। एक व्यक्ति ने जो यीशु के यीशु का जो किरदार निभाया है, हमने उसको यीशु मसीह बना दिया, और जहां पर भी वो फोटो देखते हैं तो हमको उसका चेहरा याद आता है। यीशु मसीह पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी में हमको वो याद आता है। तो हमको घर में रखने की जरूरत नहीं है। और हद तो तब पार होती है जब उसको रखकर बहुत सारे घर पे यीशु मसीह को डेड बॉडी बना देते, उस पर माला चढ़ा के उसके ऊपर अगरबत्ती और कैंडल भी जलाते। भाई क्यों, जिंदा है यार हमारा खुदा। बाकी खुदा के ऊपर हार फूल चढ़ाते उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है मरे हुए लोगों के लिए हार फूल चढ़ाते, जो जिंदा है उस पर नहीं चढ़ाते। मेरा खुदा जिंदा है तो हार फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर चढ़ा भी रहे हो तो वो किसी और के फोटो पे चला रहे हो, वो यीशु मसीह नहीं, तो मैं नहीं रखूंगा। क्या आप आपके घर पे मेरा फुल साइज का इतना बड़ा ये जो फोटो है ना, उसको काट के लेकर जाकर फ्रेम बना के लटकाओगे? नहीं लटकाओगे। क्यों नहीं लटकाओगे? मैं तुमको वचन सुना रहा हूँ सामने, फिर भी नहीं, क्यों नहीं? तो फिर कहां ही कौन से देश में बैठा उसका फोटो क्यों लगा रहे हो? उसके सामने क्यों सिर झुका रहे हो? आपके लिए बाइबल है, आपके लिए प्रार्थना का जगह बनाओ, वहां पर प्रार्थना करो। परमेश्वर आत्मा है, आत्मा में आसे आपसे बात करेगा। अगर यीशु मसीह चाहे तो आपको दर्शन भी देंगे। अगर यीशु मसीह को इतना ही देखने का इच्छा है ना, तो तैयारी करो जब हम स्वर्ग में जाएंगे। हमारे तमिलनाडु में एक फादर बेरिकमेंस करके हैं, वो तमिल में ये गाना गाते हैं, तुट तुट पाते। वो कहते हैं मैं स्वर्ग जाऊंगा, यीशु मसीह को छू छू कर मैं देखूंगा। अरे यीशु मसीह ऐसा है, अरे यीशु मसीह ऐसा है। उस चीज के लिए तैयारी करो, सुसमाचार बांटो, मार खाओ और लोगों को साथ में लेकर जाओ। वहां पर जाकर यीशु मसीह का फोटो क्या, रियलिटी को एंजॉय करो। यहूदी लोग शैडो को एंजॉय करते थे। कोलोसी की किताब और गलतियों की किताब में लिखा है ये सब छाया है सच्चाई की, लेकिन सच्चाई आ चुका है यीशु मसीह, और उसको हम देखने जाने स्वर्ग में। और जाते जाते क्या करेंगे, साथ में हजारों लाखों करोड़ों लोगों को लेकर जाएंगे। लेकर जाएंगे कि नहीं, क्या भूल कर लेकर जाएंगे? वहां पर ऊपर क्रिसमस केक खाने के लिए वैसा एंट्री नहीं मिलता है। आप जिस प्रकार पॉल कहता है, इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट, मेरा अनुकरण करो जैसे मैं यीशु मसीह का अनुकरण करता हूं। जब हमारी जिंदगी ऐसे बनती है, जब मैं कहूंगा मुझे फॉलो करो जैसे मैं यीशु मसीह को फॉलो करूंगा, तब आप अपने जीवन में महान कार्य करने वाले हो। आमीन। चलिए इसको हम यहीं समाप्त करते हैं, और बहुत अच्छा लगा आपने इतने सारे सवाल